महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अब बाजी सीएम उद्धव ठाकरे के हाथ में आ चुकी है। बीमार होने के बावजूद उद्धव ठाकरे बागियों पर हमलावर हो गए हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। वहीं बैठक से गैर हाजिर रहने पर पार्टी विहिप सुनील प्रभु ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में सभी विधायकों से 27 जून की शाम 5 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को नोटिस में कहा गया है कि अगर विधायक जवाब नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए खत किसी ईमेल पते से भेजा गया था और इसे किसी विधायक ने कार्यालय में जमा नहीं किया था। इसके अलावा इस खत में मौजूद विधायकों के हस्ताक्षर भी असली नहीं थे, जिसको लेकर इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। दरअसल शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर मामले को लटकाने की कोशिश की गई थी, ताकि विधायकों की अयोग्यता पर डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले पाए। लेकिन अब गुवाहाटी में बैठा शिंदे गुट इस वक्त बैकफुट पर आ चुका है। उद्धव की रणनीति से बागियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में इन बागियों के पास जल्द से जल्द मुंबई लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। डिप्टी स्पीकर ने भी समन जारी कर दिया है, जिसमें शिंदे का नाम भी शामिल है। सभी को नोटिस जारी कर 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है।